इस पाए के अंदर सरूर है उस्ताद, कसम से। अच्छा स्वीट शॉप, अच्छा स्वीट शॉप की सबसे खास बात है जो भाई इसका हलवा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम ट्रिप टेक की एक और फ्रेश अमेजिंग और डिलीशियस एपिसोड के साथ आपका भाई हाजिर है। और भाई आज फिर हम लोग पहुंचे हैं टांगे खाने, नहीं पाए खाने, और इस वक्त खड़े हैं हम लोग सदर बाज़ार के अंदर। और भाई आज आपको ऐसी टांगे या पाए खिलाएंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ऐसी जगह ऐसा जैम आपने ना कभी सुना होगा ना खाया होगा। बहुत सारी वीडियोज़ पाए की इस वक्त हैं, लेकिन जो हाजी कोसर की बात है ना वो मेरे ख्याल किसी में नहीं होगी। बीफ के पाए हैं, क्या शानदार किस्म के पाए हैं यार इसके, छोटी सी लेडी के ऊपर भाई पाए लगाता है, मैं कहता हूँ मज़े आ जाते हैं। सुबह सुबह उठ के आने का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। लेकिन कोसर साहब के पास जाने से पहले हम आपको अच्छा स्वीट से हलवा पूरी ट्राई करवाते हैं, क्योंकि कोसर साहब जो है वो कोई 7:15 बजे आते हैं, उससे पहले हम लोग ज़रा अच्छा स्वीट ट्राई कर लें। तो शुरू करें। ओके जी, अच्छा हलवा पूरी की अगर मैं आप लोगों को लोकेशन गाइड करूं तो सदर बाज़ार, जो कि धर्मपुरा से आप सदर की तरफ, अगर सदर राउंड अबाउट की तरफ आएंगे तो राइट साइड के ऊपर आपको सदर बाज़ार की गली मिलेगी। वहां से आप सीधा अंदर आएंगे तो कुछ ही आगे आने के बाद आपको यहां पर जो है वो अच्छा मिल्क शॉप नज़र आएगी। ओके जी, तो भाई आज का नाश्ता शुरू करते हैं अच्छा स्वीट्स की इस क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार किस्म की पूड़ी के साथ। आए क्या क्रिस्पी पूड़ी है यार। सबसे पहले हम लोग इसकी चने की भाजी, भाजी बोलते हैं ना इसको, चने भाजी, चने चने से ट्राई करते हैं, सिंपल चने से। मज़ेदार यार, चने बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हल्का सा काली मिर्च का इसके अंदर टेस्ट है और ऑथेंटिक चनों का जो टेस्ट आ रहा है ना, मज़ा करा रहा है। अचार के साथ जो है ना इसको ट्राई करते हैं। एक गाजर, थोड़ी सी प्याज और साथ चने। अचार बहुत खट्टा है या ज़्यादा ही मैंने अचार लगा लिया तो ख़ास मज़ा नहीं आया अचार के साथ। तो हम आ जाते हैं अब हलवे के ऊपर। यार सूजी का हलवा ऐसी फील आ रही है जैसे घर में नहीं बनता सूजी का हलवा, वैसा ही है और बड़ा ही ज़बरदस्त और बैलेंस किस्म के टेस्ट हैं इसके अंदर। तो मुझे ओवरऑल बात करें अगर अच्छा स्वीट्स की इस हलवा पूरी की, तो इसका ये जो चने हैं बहुत ही अच्छे हैं, इसका जो हलवा है बहुत ही सॉलिड है। पूरी मुझे उस तरह से नहीं लग रही, इतना ज़्यादा ऑयल वैसे नहीं है पूरी के अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पूरी है यार। लिटरली बहुत ही कमाल हलवा है, यकीन करो। बहुत ही प्लेन सा हलवा है, मतलब कोई इसमें कोई बादाम वगैरह कोई चीज़ ऐड नहीं की, लेकिन घर वाली फील आ रही जिवें घर हलवा बनया है, वो वाला मज़ा आ रहा है। अच्छा स्वीट शॉप, अच्छा स्वीट शॉप की सबसे खास बात है कि भाई इसका हलवा अच्छा, इसका हलवा अच्छा। इस वक्त हम लोग सदर बाज़ार के अंदर खड़े हैं और तकरीबन कोई 7:30-8 बजे का टाइम है। लोकेशन अगर मैं समझाऊं तो अगर आप राउंड अबाउट से धर्मपुरा वाली साइड पे जाएंगे और सदर बाज़ार से लेफ़्ट साइड पे एंटर होंगे तो पहला जो चौक आएगा ना, पहले चौक के बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको हाजी कोसर बोंग पाए वाला नज़र आ जाएगा। ये देखें। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने जी बड़े बोंग पाए जी, 87 से लगा रहे हैं जी। ख़ास बात क्यों नहीं जी, अल्लाह की मेहरबानी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, हमारे वाले साहब ने स्टार्ट किया फिर इसी अड्डे से, इसी जगह से जी। भाई जान, हमारे खाने में ख़ास बात ये है कि हम बोटी साफ़ करके डालते हैं, वो बोटी डालते हैं जो खाने वाली होती है। पाए की बोटी का चमड़ा कोई दुकानदार नहीं उतारता, हम पाए का चमड़ा नहीं डाल कर देते कस्टमर को, ना हम हड्डी डाल कर देते हैं, और यही वजह है कि ग्राहक हमें पसंद करता है, हमारी सफाई से मुतासर होता है और हमारे पास आता है। बोटी उतार के देते हैं, चमड़ा नहीं डालते, हड्डी नहीं डालते ग्राहक के घर पहले में। ये मैंने बोटी एक लगाई है, इसमें ना चमड़ा है पाए की बोटी में, ना इसमें हड्डी है।
वो भी मैंने कस्टमर को दिया है, उसमें भी पाई की बोटी है, चमड़ा नहीं है, हड्डी नहीं है उसमें। ओके जी, तो फाइनली हाजी कोसर बोंग पाए हमारे पास आ चुके हैं और यार बड़ी फिट किस्म की जो है ना इस पाए की वाइब आ रही है। चेक करते हैं क्या सीन है इसका। ओए होए हो, ये देखो इसमें मिक है, इसमें लाल बोटी है, इसके अंदर पाए की बोटी है, और क्या सीन है ये देखो। ये मिक है, ये यहाँ ये मिक है, ये पाए की बोटी है बीच में, और यहाँ पे ये आ गई हमारी लाल बोटी। क्या बात है, टेस्ट कर लेते हैं भाई। यार सीरियसली टू गुड यार, बहुत अमेजिंग पाए। तो यार मैंने सीरियसली ऐसे पाए नहीं खाए कभी। ये तो लाजवाब चीज़ है भाई, क्या बना दिया इन्होंने पाए का। एक वो ज़बरदस्त किस्म का टेक्सचर मुंह में आपके जाके, कोई आपके गले में चीज़ नहीं चुभ रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, एक बड़ी ही सटल किस्म की, बड़ी ही बैलेंस्ड किस्म की, बहुत ही कमाल की वाइब है यार इस पाए की। लाल बोटी के साथ ट्राई कर रहे हैं उस्ताद जी। मैं कहता हूँ पाए वाला काम तो यहाँ पे ना फुल हैवी है, फुल हैवी है। 87 से वो कह रहा है, मेरे वाले साहब ने ये दुकान शुरू की थी, तकरीबन कितने हो गए, कितने साल बनते हैं जीशी? 20 तकरीबन 35 20 ये 10 वो और 3 हाँ 35 साल बनते हैं भाई। 35 साल से सिर्फ इस अड्डे पे लगा रहा है, और चेक करें छोटा सा स्टॉल है उसका, कोई फैंसी दुकान नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत कोई लोग इसके बारे में जानते नहीं, लेकिन यार टेस्ट कमाल है भाई, कमाल है। पाए की बोटी लूँगा मैं, और थोड़ी सी मिक ढूँढते हैं कहीं पे। ये मिक आ गई, इस पाए के अंदर सरूर है उस्ताद कसम से। कमाल कर दिया यार कोसर साहब ने, कमाल कर दिया। लाल बोटी में लूँगा मैं, फिर थोड़ी सी वो लूँगा, और कोशिश करें कि अगर इसके ऊपर थोड़ी सी मिक भी आ जाए तो अभी वाइट एक अल्टीमेट हैवी शदीद लुत्फ आ गया, मज़ा आ गया कि उस्ताद मज़ा आ गया। जिसे कहते हैं ना कि बहुत कम जगह होता है कि जहाँ पे पाए या कुछ चीज़ खाने के बाद आप कहते हैं यार ज़िंदगी अमर हो गई है, वो वाली चीज़ है ये। हम भाई जान फार्मूला को नहीं डालते, सब देसी मसाले हैं, लहसुन अदरक का इस्तेमाल करते हैं इसमें। लाजवाब टेस्ट है यार। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुदस्सर है जी। अच्छा मुदस्सर भाई टाइमिंग बता दें जरा। भाई जी सुबह 7:15 बजे आते हैं, 10:30 बजे तक का टाइम है अपना डेली का। हमारा कोई कमाल नहीं है भाई जान, अल्लाह की मेहरबानी है, माँ बाप की दुआएँ हैं। हाँ जी, पहले हमारे वाले साहब बैठते थे, अब के 2 साल में हमने उनको फ्री कर दिया, अब हमने खुद हैंड ओवर ले लिया है। भाई जान हाफ पहले हम 250 का देते हैं, फुल पहले हम 500 का देते हैं। बोटी गाहक की मर्ज़ी की होती है, जो गाहक पसंद करता है वही डाल के देते हैं, गाहक जो पसंद नहीं करता वो नहीं देते। मिक सिंगल मिक 50 की है, डबल 100 की है। सर आपने कोसर बोंग पाए खाए, कैसे लगे? बहुत अच्छे थे। कब से खा रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से यहाँ तो ये बहुत पुराने वैसे, असल मेरा आना जाना ये तो करीब 15 साल से मेरा कारोबार ऐसा था, यहाँ ना आता हूँ समोसे वगैरह लेने, फिर नाश्ता इधर ही कर लेते। हो गया तो क्या स्पेशल लगता है यहाँ पे? सही अच्छे बने, मैं पाए खाता हूँ, मूंग नहीं, अपनी अपनी चॉइस है ना, कहीं मूंग खाते कहीं पाए खाते हैं, कहीं मिक्स खाते हैं, हम पाए खाते हैं। अच्छा जी, लास्ट में अगर बात करें तो लाहौर में 3 चीज़ें नाश्ते पे बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, एक पाए, एक हलवा पूरी और तीसरा चने, और आज हमने उनमें से 2 चीज़ें ट्राई की हैं, और इतना आप अंदाज़ा लगा लें कि दोनों चीज़ें हम लोगों ने ठीक ठाक खाई हैं, लेकिन पेट अभी तक बिल्कुल भी जो है वो फील नहीं करवा रहा कि आपने कुछ खाया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कितने लाइट वेट पाए थे और कितने कमाल का उनका टेस्ट था यार, लाजवाब किस्म का टेस्ट था पाए का। खास तौर पे पूरी तो मैंने थोड़ी खाई थी, पाए मैंने फुल भर के पेट खाया, लेकिन मुझे ज़रा फील नहीं हो रहा कि मैं आपको बहुत हैवी पाए खा के बैठा हूँ। तो इतने लाइट वेट
इतने ज़बरदस्त और कमाल के पाए हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली यार हाजी कोसर जो सिरी पाए हैं, इनको आके टेस्ट करें, इसको बताएं लोगों को, ताकि पता चले लोगों को भाई इतने ज़बरदस्त किस्म के पाए जो है वो लाहौर में सदर बाज़ार के अंदर अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोगों को भाई पाए से शिकायत होती है कि भाई अच्छे पाए नहीं मिल रहे, गले में चुभ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ पाए के अंदर मसला निकलता है। लेकिन यहाँ पर आएँगे ना आप तो आपको एक ऐसा बैलेंस किस्म का पाए के अंदर टेस्ट मिलेगा ना, और बहुत ही जो है वो लाइट वेट किस्म की फील आएगी पाए कि आपको मज़ा आ जाने वाला है। तो डेफिनेटली आके हाजी कोसर को विज़िट करें, आपको मज़ा आएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आपको। किधर जा रहे हो भाई? गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल किस साइड पे है ये? अच्छा, तो क्या टाइम हुआ अभी स्कूल जा रहा है? 9 बज गए। लेट हो गए हो? लेट हो गया तो फटाफट पहुंच, भाग जा भाग जा। हमारा चैनल है ट्रिप टक। ओके जी, तो वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। आप लोगों का हमेशा गिला रहता है कि भाई अकेले अकेले खा लेते हैं या फिर आपकी वीडियो देख के मुंह में पानी आ जाता है, तो मौका दे रहे हैं आप लोगों को हमारे साथ खाने का। भाई आएँ हमारे साथ इंजॉय करें, क्योंकि इस पाया सीरीज़ के अंदर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इंजॉय करें पाए को, लाहौर के बेहतरीन पाए को। तो आप में से किसी एक बंदे को अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो अपने साथ बुलाएंगे। आपने सिंपल ये करना है कि भाई वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, इसके नीचे बस हैशटैग ट्रिप टक लिख दें, वहीं से हम लोग अपने जो टॉप फ़ैन होगा, मतलब वीक का जो, तो वीकली जो हमारा टॉप फैन होगा उसको हम साथ लेके चलेंगे अपनी नेक्स्ट पाया एपिसोड के अंदर। तो जल्दी से जाके शेयर कर दो, कमेंट कर दो, जो दिल करता है कर दो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।